काजू बादाम खाने से तो बच्चों में अकल आती है, मेरे जैसों की अकल तो धोखा खाने से ठिकाने आती है। इतिहास समझने के लिए इंटेलिजेंट बनना पड़ता है, लेकिन इतिहास रचने के लिए मेरे जैसा सरफिरा बनना पड़ता है। औकात ऐसी बनाओ कि जहां जाओ ना वहां छा जाओ, औकात ऐसी बनाओ कि लोग दुश्मनी तो छोड़ो दोस्ती करने की भी हिम्मत ना करें। आज भले ही लोग तुम्हें कुत्ता कहे, गधा कहे, आवारा कहे, चूहा कहे, लोगों को भाड़ में जाने दो, लोग उसे ही सही मानेंगे जिन लोगों को ये लगता है कि जिंदगी तो पैदा होने से पहले ही लिख दी जाती है। उनको ये समझना चाहिए कि उनमें इतना साहस है कि वो उस लिखी हुई जिंदगी के हर पन्ने को बदल के रख सकते हैं। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि गरीब परिवार में पैदा जरूर हुआ हूँ, पर गरीब मरने वाला नहीं हूँ। धोखा जरूर मिला है, पर वास्तव में धोखा नहीं, मौका मिला है। तो याद दिलाऊं कि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं उस पे काम कर रहा हूँ। हर पल खुद को मजबूत बना रहा हूँ। जो लोग मेरी जीत पर ताली नहीं बजाते ना, वो चाहे तो मेरी हार पर दांव लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे हारने का नशा जीतने से भी ज्यादा है। मैं उतनी बार हारने को तैयार हूँ जितने मौके मुझे मिलेंगे, और मुझे मौके उतने मिलेंगे जितना मैं चाहूंगा। किसी की मौत पर तो हजारों लोग रो सकते हैं, मगर असली इंसान की औलाद होना तो किसी जिंदा इंसान को खुशी देकर देखो कितना सुकून मिलता है। मेरे घायल होने पर खुशी मत मनाना, क्योंकि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। जिन चीजों को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, उनके लिए जिंदगी की कई सांसें बेचनी पड़ती है। मेरी साइलेंस को मेरी कमजोरी मत समझना, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। दौलत तो अपने बाप की लिखी वसीयत में भी मुफ्त में मिल जाती है, दम है तो अपना नाम कमा के दिखा। मेरी बात का यकीन करो या ना करो, पर यह सच है कि तुम्हारे दोस्त कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर किसी ना किसी वजह से तुम्हारे से जलते जरूर है। यहाँ कौन किसका है, वक्त आने पे ही पता चलता है, वक्त आने पे ही पता चलता है कि कौन आस्तीन का सांप है और कौन किसका बाप है। इसलिए लोगों को जज करने में अपना टाइम खराब मत कर।